बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज जो है 3.4 हम सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.4 में हम क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर चुके हैं पिछले लेक्चर में तक, ठीक है। अब हम इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, एक इंटीग्रल इक्वेशन है, आप उसे कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें इंटीग्रल इन्वॉल्व है, तो उसको हमने प्रूव करना है या शो करना है। तो मैं क्वेश्चन सामने आपके लिखता हूँ, शो दैट इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू है ई पावर एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू साइन ऑफ बी एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी ओवर ए प्लस सी, ठीक है। तो ये इक्वेशन है, यानी कि इसकी इंटीग्रेशन ई पावर एक्स साइन बी एक्स की इंटीग्रेशन अगर आप लें एक्स की रिस्पेक्ट से, इसके साथ में डी एक्स मौजूद है, ठीक है। तो ई पावर एक्स साइन बी एक्स की इंटीग्रेशन आप अगर लें एक्स की रिस्पेक्ट से, तो इसके इक्वल आना चाहिए ई पावर एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू साइन ऑफ बी एक्स माइनस टेन इनवर्स ऑफ बी ओवर ए, ठीक है, इसके इक्वल आना चाहिए। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, यानी कि उसकी इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, फिर उसको हम देखेंगे कि किस तरह से हम राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स, और उसको इंटीग्रेट हमने करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, अब हम इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन देखें, दो फंक्शंस हैं, आप उसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, ठीक है। तो मतलब कि इसके ऊपर बाय पार्ट्स हम अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए आपको पता है कि रीऑर्डर करना भी हमने, यानी कि ऑर्डर को भी जेन में रखना है कि किस तरह से पहला फंक्शन कौन सा होना चाहिए, सेकंड कौन सा होना चाहिए। तो इसमें हम पहले देख चुके हैं कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन और जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका कॉम्बिनेशन आ जाता है, इनका प्रोडक्ट आ जाता है, तो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यानी कि ऑर्डर सही है, इस वक्त ठीक है, फर्स्ट फंक्शन हमने यही रखा हुआ है एक्सपोनेंशियल। तो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, यानी कि साइन ऑफ बी एक्स का इंटीग्रल, वो क्या हो जाएगा? माइनस कॉज ऑफ बी एक्स डिवाइडेड बाय एंगल का डेरिवेटिव, यानी कि जो कि बी है, ठीक है। उसके बाद माइनस साइन, इंटीग्रल का साइन और इंटीग्रेशन सेम, यही आ जाएगी माइनस कॉज ऑफ बी एक्स डिवाइडेड बाई बी, और साथ में फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। फर्स्ट फंक्शन क्या है? ई पावर एक्स। ई पावर ए एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? ई पावर एक्स इंटू जो पावर का डेरिवेटिव, यानी कि ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? ए। तो ई पावर ए एक्स इंटू ए जो है किसका डेरिवेटिव है? ई पावर ए एक्स का। अब यहाँ पर मैं साथ में डी एक्स भी लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये इंटीग्रल साइन अभी भी आ रहा है, हमने इंटीग्रेशन मजीद इसकी फाइंड करनी है। ये बन जाएगा माइनस कॉज ऑफ बी एक्स इंटू ई पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय बी, उसके बाद माइनस साइन है। अब यहाँ पर ए कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले आते हैं, और डिनोमिनेटर में बी कांस्टेंट है, वो भी हम बाहर ले आते हैं, ठीक है, इंटीग्रल साइन से बाहर ले आते हैं। तो उसके अलावा ये माइनस साइन जो है इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा, ये भी बाहर ले आते हैं, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और हमारे पास अंदर क्या बच गया? ई पावर ए एक्स इंटू कॉज ऑफ बी एक्स, और साथ में डी एक्स मौजूद है। तो हम इसको दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे, बाकी टर्म्स उसी तरह से उतार लेते हैं, माइनस कॉज ऑफ बी एक्स ई पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई बी प्लस ए ओवर बी, और इसके ऊपर हमें दोबारा से बाय पार्ट्स का मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि दो फंक्शंस हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक एक्सपोनेंशियल है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हैं, तो इसकी हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, तो बाय पार्ट्स हम यूज़ करेंगे। चलिए इस पर भी हम बाय पार्ट्स यूज़ करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ ई पावर ए एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, जो कि आएगा सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, यानी कि
साइन ऑफ बी एक्स डिवाइडेड बाय बी माइनस साइन इंटीग्रल साइन और सेम यही इंटीग्रेशन साइन ऑफ बी एक्स डिवाइडेड बाय बी इंटू ई पावर ए एक्स यानी कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा ई पावर ए एक्स इंटू ए साथ में डी एक्स। तो ये हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पर दोबारा से यूज़ किया। अच्छा बाकी टर्म्स जो है हम एज इट इज़ उतार लेते हैं। कॉस ऑफ बी एक्स ई पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय बी प्लस ए ओवर बी इंटू ये भी अरेंज करके लिखते हैं साइन ऑफ बी एक्स इंटू ई पावर ए एक्स और होल डिवाइडेड बाय बी है माइनस इंटीग्रल साइन और इंटीग्रल साइन से पहले हम ऐसे करते हैं कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लेते हैं। कॉन्स्टेंट्स क्या हैं ए और बी ठीक है ए न्यूमरेटर में है और बी डिनोमिनेटर में है ये बाहर आ गया इंटीग्रल साइन से और इंटीग्रल साइन के अंदर जो फंक्शंस हैं वो हैं ई पावर एक्स और साथ में साइन बी एक्स और डी एक्स ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि ब्रैकेट्स ओपन करते हैं इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं जो टर्म्स या जो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं माइनस कॉस ऑफ बी एक्स इंटू ई पावर ए एक्स एज इट इज़ आ जाएगा ओवर बी प्लस अब ये ए और बी इन दोनों के ये इस फंक्शन के साथ और इस फंक्शन के साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं ये बन जाएगा ए साइन ऑफ बी एक्स इंटू ई पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ये बी इंटू बी इज बी स्क्वायर बन जाएगा माइनस ए ए के साथ अब जो है ये ए ओवर बी इन इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा ठीक है तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ ई पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स डी एक्स और ये किसके इक्वल है हमने लेफ्ट हैंड साइड ली हुई है ठीक है। हम ऐसा करते हैं कि इसको आई कह देते हैं आई का नाम देते हैं आप कोई भी नाम रख सकते हैं ए रख सकते हैं बी रख सकते हैं मैंने यहाँ पर आई का नाम दिया इसको ठीक है यानी कि ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स का इंटीग्रल इक्वल है आई के। तो अभी तक हमारे पास जो रिजल्ट आया उसमें दोबारा से ई पावर एक्स साइन बी एक्स आ रहा है जो कि हमने आई के इक्वल लिया हुआ है ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं इसकी जगह आई पुट कर देते हैं आई इज इक्वल टू माइनस कॉस बी एक्स ई पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय बी प्लस ए साइन बी एक्स ई पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इंटू आई ये आई के इक्वल है ठीक है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर i किसके इक्वल है i इक्वल हमने लिया हुआ है ई पावर एक्स साइन बी एक्स का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x और यहाँ पर भी ये सेम टर्म है तो मैंने उसकी जगह i पुट कर दिया। अब हमने i के लिए ही जो है इसको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को तो i प्लस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर i ठीक है ये वाली i जो है टर्म जो है यहाँ पर ले आए हम लेफ्ट साइड पर तो बाकी टर्म्स उसी तरह से हम लिख देते हैं बल्कि हम पॉजिटिव टर्म पहले लिखते हैं ए साइन बी एक्स ई पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस ये वाली टर्म जो नेगेटिव है कॉस ऑफ बी एक्स ई पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय बी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे इसका एलसीएम लेकर हम सॉल्व कर सकते हैं या फिर पहले इसमें से आई कॉमन आ जाएगा ठीक है आई कॉमन आ गया वन प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल टू सेम टर्म्स ठीक है या फिर हम ऐसा करते हैं कि इसमें से भी राइट साइड को भी जो है थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसमें से बी स्क्वायर जो है वो कॉमन आ रहा है ठीक है यानी कि बी वैसे तो कॉमन आ रहा है लेकिन हम बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं बी स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा ए साइन बी एक्स इंटू ई पावर ए एक्स माइनस इसमें से हमने बी स्क्वायर कॉमन लिया यानी कि b से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा b cos बी एक्स इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स ठीक है ये हमारे पास यानी कि हमने 1 और b स्क्वायर जो है वो कॉमन ले लिया। आगे आप ऐसा करेंगे c1 या c जो भी है या फिर एंड पे जाके आप c ही लिख दें ठीक है यहाँ पर भी लिख सकते हैं तो लेफ्ट साइड को असल में हमने यहाँ पर सॉल्व करना है अभी तो ये बनेगा एलसीएम लेके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इंटू आई इज इक्वल टू वन ओवर बी स्क्वायर इंटू ए साइन
पी एक्स, अच्छा ई रेज टू पावर एक्स भी दोनों में कॉमन है, दोनों टर्म्स में वो भी हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस बी कॉस पी एक्स, और बाहर हम लिख देते हैं ई पावर एक्स, क्योंकि दोनों में, दोनों टर्म्स में कॉमन आ रहा था इसलिए मैंने बाहर लिख दिया। उसके बाद अब हमने आई के लिए सॉल्व करना था, आई के साथ जो कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई यहाँ पर हो रहे हैं हम उसको राइट साइड पर ले जाते हैं, ठीक है, मतलब कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर है तो वहाँ जाके हम मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, बी स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, मतलब दूसरे लफ्ज़ में हम ये कह सकते हैं इस टर्म से हमने दूसरी साइड पे हम डिवाइड कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर वन ओवर बी स्क्वेयर ऑलरेडी मौजूद है, इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स। अच्छा अब ये बी स्क्वेयर तो चलें कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ, इसके साथ कैंसिल कर देते हैं, ये बी स्क्वेयर इस बी स्क्वेयर के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है, बाकी क्या टर्म्स हमारे पास बचे, बाकी टर्म्स बचेंगी वन ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू ए साइन पी एक्स माइनस बी कॉस पी एक्स इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स, ठीक है, तो प्लस सी अब लिख देते हैं क्योंकि हम इंटीग्रेट हमने किया था, इस वजह से इंटीग्रेशन का रिजल्ट अब हमारे पास आ चुका है, तो प्लस सी लिख देते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल है इस वजह से, ठीक है। अच्छा अब यहाँ तक तो हमने इंटीग्रेट तो कर लिया, आई किसके इक्वल है, आई इक्वल है ई रेस्ट फॉर ए एक्स, यानी कि जिसकी इंटीग्रेशन हम फाइंड कर रहे थे लेफ्ट हैंड साइड को हमने आई कंसिडर किया था, तो मैं दोबारा से उसकी वैल्यू लिख देता हूँ, ई पावर ए एक्स इंटू साइन ऑफ बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आ चुका है किसके इक्वल, वन ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस सी, ठीक है, ये हमने इंटीग्रेशन फाइंड कर लिया इसकी, ठीक है, लेकिन अभी तक हमारे पास जो राइट हैंड साइड है उसके इक्वल नहीं आया रिजल्ट, मतलब कि इंटीग्रेशन भी हमने फाइंड कर ली, हमने तो ये प्रूव करना था ना कि इसकी इंटीग्रेशन जो है वो इसके इक्वल है, तो अभी तक इसके इक्वल तो हमारे पास नहीं आया, मतलब हमने, हमें फिर कोई और टेक्निक इसके बाद यूज़ करनी पड़ेगी, कोई ना कोई टेक्निक यूज़ करके हमने इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना, तो हम एक और टेक्निक यहाँ पर यूज़ करते हैं, वो टेक्निक क्या है कि हम ले लेते हैं कि ए इज इक्वल टू, यानी कि दिस वन, ये ए जो है इज इक्वल टू किसके इक्वल ले लेते हैं, आर कॉस थीटा, और इस बी को हम ले लेते हैं बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा, मतलब जो साइन के साथ कॉन्स्टेंट है उसको कॉस ऑफ थीटा ले लिया, ठीक है, आर कॉस थीटा, और जो कॉस के साथ जो कॉन्स्टेंट है उसको हमने कह दिया आर साइन थीटा, ठीक है, उसके अलावा अब इस इन दोनों को आप स्क्वेयर करके ऐड करें, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशंस, बोथ इक्वेशंस, कौन सी इक्वेशन, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, तो ए स्क्वेयर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, मतलब कि इसका मैंने स्क्वेयर लिया ए स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा बन गया, ठीक है, इसका मैंने स्क्वेयर लिया बी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर इंटू साइन स्क्वेयर थीटा बन गया, उसके बाद स्क्वेयर लेने के बाद इनको ऐड किया, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी, राइट हैंड साइड में ऐड होगी, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर इसमें से कॉमन है तो कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा जो कि इक्वल होता है वन के, आइडेंटिटी आपको अगर याद हो तो, ठीक है, तो ये वन के इक्वल हो गया, आर स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर के, अगर हमने आर फाइंड करना हो तो किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर के स्क्वेयर रूट के, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि हमने जो सपोज किया था ए इज इक्वल टू आर कॉस थीटा बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है, ये हमारी जो इक्वेशन है इसमें हम पुट कर देते हैं, तो चलें पुट करके देखते हैं क्या बनता है, वन ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर मौजूद है यहाँ पर, ये मैंने लिखा वन ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, उसके बाद ब्रैकेट में ए है और फिर साइन बी एक्स है, यानी कि ए की जगह हम लिखेंगे आर कॉस थीटा, ब्रैकेट आर कॉस थीटा
और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा था साइन ऑफ बी एक्स। इसी तरह से माइनस साइन है, आप ऊपर इक्वेशन देख सकते हैं माइनस साइन, उसके बाद बी की जगह बी की वैल्यू आर साइन थीटा और साथ में बी एक्स आ जाएगा, ठीक है, कॉस बी एक्स आर साइन थीटा इंटू कॉस बी एक्स, और ये सेम ब्रैकेट्स कर देते हैं, और साथ में ब्रैकेट्स के बाहर कॉमन मौजूद है ई पावर एक्स, वो उसी तरह से रहेगा ई पावर ए एक्स प्लस सी, और ये इक्वल किसके है, वही इंटीग्रेशन के, इंटीग्रल ऑफ ई पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, दोनों टर्म्स में आप अगर देखें तो आर कॉमन आ रहा है, आर बाहर कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू कॉस थीटा इंटू साइन बी एक्स माइनस साइन थीटा इंटू कॉस बी एक्स, ये हमारे पास अंदर टर्म्स बच गई और बाहर ई पावर एक्स भी कॉमन मौजूद है ऑलरेडी, ठीक है। अगर इसको मैं रीअरेंज करूँ, मतलब कि आर की जगह चलें, आर की जगह पहले उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, आर किसके इक्वल है, आर हमने इसीलिए फाइंड किया था क्योंकि हमने जब पुट करना है तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो आर अब हम फाइंड कर लेते हैं, मतलब फाइंड कर चुके हैं, मतलब उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर के स्क्वेयर रूट के इक्वल है, स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, ये तो ऑलरेडी मौजूद है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब जो ब्रैकेट्स के अंदर टर्म्स हैं वो भी मैं रीअरेंज कर लेता हूँ, यानी कि साइन को पहले लिख देता हूँ, साइन ऑफ बी एक्स और ये कॉस थीटा माइनस, इसको कॉस को मैं पहले लिखता हूँ कॉस ऑफ बी एक्स इंटू साइन थीटा, ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अभी जो हम फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं उसके लिए आपको समझने के लिए आसान हो, ठीक है। यहाँ से आप देखें, अगर बी एक्स को आप अल्फ़ा कंसिडर करते हैं और थीटा को बीटा कंसिडर करते हैं तो साइन ऑफ अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा बन रहा, ये किसके इक्वल होता है, ये अलहदा से मैं मैंशन कर देता हूँ, साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, अगर आपको याद हो जो हमने फर्स्ट ईयर की मैथ्स में पढ़ा था, वो इक्वल होता है साइन ऑफ अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फ़ा साइन बीटा के, ठीक है, जगह कम थी मैंने इसलिए यहाँ पर मेंशन कर दिया, तो ये यानी कि बताने के लिए अब यहाँ पर मैं ये फार्मूला यूज़ करने जा रहा हूँ, हमें ये साइड गिवन है साइन ऑफ अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, हम इसकी जगह ये पुट करेंगे साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, और अल्फ़ा क्या है, ये अल्फ़ा है और थीटा जो है वो क्या है, वो बीटा है, ठीक है। तो हम इसको फिर क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ बी एक्स माइनस थीटा, साइन ऑफ बी एक्स माइनस थीटा, और बाकी टर्म्स उसी तरह से आ जाएंगी, बल्कि आप ऐसा करें कि इस स्क्वायर रूट को भी नीचे लें, क्यों, क्योंकि इसकी पावर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर वन है, ये सेम टर्म्स हैं, इसकी पावर अगर नीचे ले गए इसकी पावर वन बाई टू है, तो ये बन जाता है वन ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट बन जाता है, ठीक है। रेशनलाइज करके आप अगर सॉल्व भी कर लें उस तरह से भी, बल्कि सिंपली इस तरह से करें कि आप वन, ये वन पावर है, इसकी पावर माइनस वन बाई टू, ऊपर तो पॉजिटिव है नीचे आके नेगेटिव हो जाएगी, माइनस वन टू, वन माइनस वन बाई टू इज वन बाई टू, इसलिए वन ओवर मैंने ये लिख दिया, इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा ये आ गया, और साथ में ई पावर एक्स भी मौजूद है और प्लस सी भी मौजूद है, ठीक है। तो इसको अब हम ऐसा करते हैं कि फाइनल रिजल्ट लिखते हैं, देखें ये क्या बन गया, वन ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, साथ में मौजूद है साइन ऑफ बी एक्स माइनस थीटा, और बाहर क्या है ई पावर एक्स प्लस सी, ठीक है। ये किसके इक्वल है, इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन इसके इक्वल आ चुकी है अभी तक, लेकिन अभी भी राइट हैंड साइड जो है वो बिल्कुल उसी तरह से नहीं आई। अब हम ऐसा करते हैं कि थीटा, अब यहाँ पर इसमें देखें, इस साइड को देखें और जो गिवन इक्वेशन है उसकी राइट हैंड साइड को देखें, गिवन इक्वेशन ये, ठीक है,
उसमें सिर्फ इसका डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर टेन इनवर्स ऑफ वी ओवर ए है और यहाँ पर थीटा मौजूद है, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं कि थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। थीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी? थीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी, जो हमने सपोज किया हुआ है वहीं से, ठीक है। वो कैसे आएगी? टेंजेंट ऑफ थीटा किसके इक्वल होता है? टेंजेंट ऑफ थीटा बी ओवर ए के, ठीक है। यहाँ से टेंजेंट ऑफ थीटा आप देख सकते हैं कि बी ओवर ए के इक्वल आएगा, यानी कि कॉस टेंजेंट साइन ओवर कॉस के इक्वल होता है ना। मतलब अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो साइन ये वाली है, यानी कि इसको हम इक्वेशन वन कह देते हैं, इसको इक्वेशन टू कह देते हैं, ठीक है। अब भी मैं चलें ये मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि डिवाइड कर रहा हूँ मैं इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से, मतलब बी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगी और राइट हैंड साइड से आर साइन थीटा ओवर आर कॉस थीटा, यानी कि इक्वेशन टू ऊपर आ गई, इक्वेशन वन नीचे आ गई, यानी कि इक्वेशन टू को मैं डिवाइड कर रहा हूँ इक्वेशन वन से, इक्वेशन टू डिवाइडेड बाय इक्वेशन वन, ये ऑपरेशन परफॉर्म कर। तो क्या हो जाएगा? आर आर से कैंसिल, साइन ओवर कॉस जो है टेंजेंट थीटा होता है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू आ गया बी ओवर ए। तो यहाँ से हम थीटा फाइंड कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू टेन, इस तरफ आगे टेन इनवर्स बन जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ बी ओवर ए। तो ये वैल्यू हम थीटा की यूज़ करेंगे, टेन इनवर्स ऑफ बी ओवर ए। चलें यहाँ पुट कर देते हैं, ये बन जाएगा वन ओवर, या फिर ई पावर एक्स को हम पहले ले आते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ई पावर एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ बी एक्स माइनस थीटा, थीटा की जगह वही वैल्यू यूज़ करेंगे टेन इनवर्स ऑफ बी ओवर ए प्लस सी। और इंटीग्रेशन किसकी हम फाइंड कर रहे थे? ई पावर एक्स साइन बी एक्स और डी एक्स, ठीक है। इसकी हमने इंटीग्रेशन फाइंड की, जो कि हमने इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। तो यही हमारा टारगेट था इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हम ये प्रूव कर चुके हैं। यहाँ पर इस लेक्चर का भी टाइम ओवर हो चुके हैं, तो हम यहाँ पर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं।